बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस सायरा बानो इन दिनों इंस्टाग्राम पर एक्टिव है। वे आए दिन सोशल मीडिया पर अपने पति और दिग्गज दिवंगत एक्टर दिलीप कुमार से जुड़े किस्से शेयर करती है। हाल ही में सायरा ने दिलीप साहब और अमिताभ बच्चन से जुड़ा एक किस्सा शेयर किया। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए सायरा ने लिखा, साहिब को अमिताभ बच्चन के बारे में उनके दोस्त एक्टर ओम प्रकाश ने बताया था। उन्होंने कहा था, यूसुफ जान, मैं अपने करियर में पहली बार एक ऐसे युवक एक अभिनेता से मिलकर चौंक गया जिसकी आंखों में आपकी तरह ही इंटेंस झलक है। इसके बाद जब साहिब और अमित जी के बीच आपसी प्रशंसा शुरू हो गई। सायरा ने आगे बताया कि एक रात राइटर जोड़ी सलीम जावेद अमित जी को बिना किसी अपॉइंटमेंट के साहिब के घर चलने के लिए कहा। अमित जी पहले तो नहीं माने, पर फिर तीनों साथ में साहिब के बंगले पर आ पहुंचे। वहां वॉचमैन ने उन्हें बताया कि दिलीप साहब तो सो चुके हैं। अमित जी ने सलीम जावेद से वापस चलने के लिए कहा, पर उन्होंने वॉचमैन से कहा कि साहिब से कह दीजिए कि उनके दोस्त मिलने आए हैं। अगले ही पल रूम की लाइट चली और दिलीप साहब तीनों से मिलने पहुंचे। उस वक्त दिलीप कुमार ने आधी नींद से उठकर तीनों की मेहमान नवाजी की थी। उन्होंने तीनों का सुबह 4 बजे तक अपने पुराने किस्से सुनाए थे। सायरा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, अमित जी ने एक बार कहा था कि भारतीय सिनेमा का इतिहास दिलीप साहिब से पहले और बाद का है। साहिब भी अमिताभ के काम की पर्सनली और प्रोफेशनली तारीफ करते थे। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।